नमस्कार, स्वागत है आपका जगह पेजेस में। मैं महक रैना। आज 6 जनवरी के इतिहास में हम जानेंगे क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी आज देश विदेश में, किन किन लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया और किन लोगों ने आज ही के दिन इस धरती को अलविदा कहा। 1838 में आज ही के दिन सैमुअल मॉरिस पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ तकनीक को लेके आए थे, जो भविष्य में दूर संचार का आधार साबित हुआ। आज ही के दिन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। 1999 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी की हत्या के दोनों दोषी सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी दी गई। 2002 में आज ही के दिन भारत सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान मारा गया। बांग्लादेश की मुद्रा से शेख मुजीब का चित्र हटाया गया और आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और विमान भवन से टकराया। 2007 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2007 के भारत भारती सम्मान केदारनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा हुई। 2010 में आज ही के दिन नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन की मेट्रो रेलों का परिचालन शुरू हुआ। जानेंगे किनका हुआ आज ही के दिन जन्म और निधन। 1959 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का जन्म हुआ और 1966 में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान का जन्म हुआ। 1949 में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के सूबेदार बाना सिंह का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1952 में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुईस ब्रेल का निधन हुआ। और 2009 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जी.एन. शाह का भी निधन हुआ। 5 जनवरी के सवाल का सही उत्तर है 2009 में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तो आज के सवाल में आपको बताना है कि 6 जनवरी को किस फिल्म अभिनेता का निधन हुआ था। इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसी के साथ मैं महक रैना कल फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ।